एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद हैं सब बहुत अच्छे से होंगे खैरियत से होंगे तो जी आज जब सुबह उठी तो सोचा कि चलिए आज से अभी से ही क्यों ना आपके साथ में व्लॉग शेयर कर लिया जाए तो आज जो है थोड़ा फ्रेश फील हो रहा था तो सोचा कि चलो अभी से व्लॉग बनाना शुरू करती हूँ और ये जो मैं आपके साथ में चीज़ें शेयर कर रही हूँ वो वही है जो मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ में पॉन्ड्स का फेस वॉश जो है ना वो शेयर किया था तो आज मैं भी जो है वही एक्टिवेटेड चारकोल वाला फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे पहले फेस को मैंने थोड़ा पानी से गीला कर लिया है और फिर एक मटर के दाने के बराबर आपने लेना है बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है और ये बहुत अच्छे से ना इसमें मतलब फ्रोथ हो जाती है झाग बहुत अच्छे से बन जाता है मतलब वैसा झाग नहीं बनेगा झाग झाग वाला लेकिन यह है कि ये बहुत अच्छे से आपके फेस इसको कवर कर लेता है और ये वाइट पूरा जैसे बनता है ना इस तरीके से दिखेगा और ये जो स्ट्रोक्स आप देख रहे हैं इसी तरीके से अगर आप अपना फेस साफ़ करते हैं तो ये आपका ना एक जेंटल मसाज uh, भी हो जाती है और आप कह सकते हो कि इससे आपकी सेगिंग नहीं होगी और स्किन टाइट रहेगी तो बच्चे जो है ना स्कूल जा चुके हैं मतलब श्रेया तो घर पे है क्योंकि आ, उसके बोर्ड्स होने वाले हैं तो प्रिपरेशन चल रही है और राजेश ऑफिस जा चुके हैं और ऐश्वर्या स्कूल जा चुकी है तो आज ये जो प्याज है ना आप देख रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये सब आता भी है पर मैं वैसे बता देती हूँ कि कुछ प्याज जो है ना उनमें उन अंकुर आने लगते हैं तो मैं फिर उनको फेंकती नहीं हूँ लहसन हो चाहे ये हो तो वैसे मिट्टी में डाल देती हूँ लेकिन इस बार क्योंकि मैं बीमारी ही थी तो उस वक्त मैंने शॉर्टकट काम अपनाया इसको एक मिठाई के डब्बे वाले उसमें ना रख दिया साथ में मतलब पाँच छः थे वो प्याज हो रखे तो बस उनको एक धागे की मदद से इकट्ठा बांध दिया था इधर उधर ना लुड़ के और बहुत अच्छे से वो हो रहे हैं अभी एक बार और उसमें आएगा तो ये प्याज का देख रहे हैं आप धो के मैं काट रही हूँ Uh, मतलब धो के साफ़ करके पानी से और उसके बाद और बीच का जो पोर्शन है ना उसका उसको मैं फेंक देती हूँ तो वही आपके साथ शेयर कर रही थी क्योंकि कहते हैं कि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता तो बस ये बहुत बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं काटूंगी नॉर्मल काटा है, जैसे आपने अभी देखा और मुझे थोड़ा तीखा पसंद है तो मैं उसमें जो है दो हरी मिर्च डाल रही हूँ हालांकि बहुत तीखी नहीं थी और इसके साथ में ज़ीरा और इसमें थोड़ा सा नमक और बेसन और जो आपने देखा होगा ना मैं कद्दूकस कर रही थी तो वो लौकी थी ठीक है तो लौकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर डालिएगा तो मैंने मतलब एक मीडियम जो लौकी होती है उसका वन थर्ड जो था ना वो घिस के डाला था तो बेसिकली इसके अंदर अब आप आपने देखा कि हरा प्याज है थोड़ा सा लौकी कद्दूकस किया हुआ है बेसन के तीन टेबल थे नमक ज़ीरा ठीक है और हरी मिर्च तो बस ये इस तरीके से आपने बना ले बना लेना है घोल भी बना सकते हैं बट मैंने ये इसलिए बनाया ना क्योंकि मैं इसको आज इस तरीके से बनाऊंगी जैसे आप देख रहे हैं तो बस इसको इस तरीके से डाल दीजिए और जब आपको फैलाना है तो उस समय उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रेड करने के लिए जो ना पानी डालिए उसके ऊपर और हाथों की मदद से ऐसे टैप करते हुए थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए उसको फैलाते रहिए और आपने किया भी होगा नहीं तो आप अभी मेरी मतलब इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखिएगा बहुत अच्छे चीले बनते हैं और ख़राब भी नहीं होते बेसन तो वैसे भी ज़्यादा मतलब चिपकता नहीं है तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप गैस के जो ऊपर है ये मतलब डस्ट पड़ी हुई है क्योंकि राइस के लिए ऑफ़िस के लिए रोटियाँ बनाई थी ना तो आटे का जो वो ड्राई डस्ट होता है वो बिखर ही जाता है तो बस अभी उसकी सफ़ाई करेंगे और मेरे लिए दो चीले चाहिए तो मैंने अपने लिए यहाँ पर दो चीले मैं ब्रेकफास्ट के लिए अपने लिए बना रही हूँ और इसके साथ बनाऊँगी मैं अपनी लेमन टी दूध वाली चाय भी पीती हूँ बट एक बार मतलब दूध वाली चाय ऑलरेडी सुबह पी ली है तो अगर मुझे थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना है तो थोड़ा सा अब कम करना पड़ेगा तो आप सोचा है कि मतलब लेमन वाटर तो मैं नहीं पीती हूँ अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ आपको सुबह सुबह उठ के नहीं पीती हूँ सुबह एक चाय पीती हूँ पहले बच्चों के टाइम पर जो है उन सबके साथ में और फिर जब ब्रेकफास्ट करती हूँ या मतलब मिड वे अगर मुझे कुछ पीना है तो आज अभी कॉफ़ी नहीं ले रही थी अब फिर से कॉफ़ी शुरू होगी क्योंकि मैं बिना कॉफ़ी के ज़्यादा देर रह नहीं सकती हूँ तो बहुत हो गया अब और अब जो है लेमन टी अभी बनाऊंगी इसके साथ में मतलब बन रही है मेरी और बस ये यह यहाँ पे इस अगर मान लीजिए मोटा भी होता है ना तो आप इसको प्रेस करते तो इतना क्रिस्प देखिए विदाउट ऑयल है ये बना हुआ ना के बराबर ऑयल है और बहुत अच्छे से सिक्के तैयार हो गया यकीन मानिए इसमें बिल्कुल ना के बराबर तेल है और हेल्दी भी है क्योंकि बेसन तो हेल्दी होता ही है तो आने वाले दिनों में मैं ऐसी कुछ रेसिपीज़ और शेयर करूँगी आपके साथ बनी रहिएगा तो यहाँ पर मेरी लेमन टी तैयार हो गई है देखिए कितना अच्छे से लेमन स्क्वीज़ हो रहा है तो अभी तो लेमन अच्छा ही आ रहा है तो बस मैं नाश्ता कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे और यहाँ पे नाश्ता हो गया मेरा इसके बाद में मैं यहाँ पे आई हूँ ये अपने जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको उठाने के लिए क्योंकि अभी मुझे फिर से जो है ना लॉन्ड्री जो मेरी क्लियर हो गई है जो मशीन लगाई थी सुबह तो वो कपड़े मुझे डालने हैं तो यही करती हूँ एक लॉन्ड्री रात को लगाती हूँ एक लॉन्ड्री जो है वो मतलब मशीन का जो लोड है वो सुबह लगाती हूँ तो बस अब जो धूल ये सामने देख रहे हैं कितनी अच्छे से धूप आई हुई है और हमारे फ्लैट में धूप का नामो निशान नहीं है तो बस एक टिप आपके लिए ये भी है कि जब कभी फ्लैट लेने जाएं तो उस समय उसकी आ, मतलब पोजीशन डायरेक्शंस वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा कि उसकी ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है ना वो खुली हुई होनी चाहिए ठीक है तो अदरवाइज जो है इस तरीके से बीमार होते रहेंगे जैसे मैं बीमार हो जाती हूँ विंटर्स में क्योंकि यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती और फिर गर्मियों में ना बहुत सारी धूप आ जाती है ये वाली बालकनी में तो बहुत ज़्यादा तो बस यहाँ पे जो सूखे हुए कपड़े थे पहले उनको लेके अंदर रखा है उसके बाद देखिए बाहर जो है ना ये आपने देखा ये सेकेंड लोड था इस वाली बालकनी के लिए और यहाँ पे जो ये मशीन ये जो आप देख रहे हैं बेड शीट्स वगैरह डाली हुई हैं ये भी अभी डाली है मैंने धोल के तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो है ना क्योंकि घर में जब मैं बीमार थी तो उस समय थोड़ा बहुत काम बढ़ ही गया है क्योंकि बच्चे कितना संभाल सकते हैं तो ये हम अमूमन हम सबके साथ होता है कि अगर घर में गृहिणी बीमार पड़ जाए तो काम बढ़ ही जाता है ना तो अभी मैं जो है ना बेडशीट और उनके कवर्स को पूरा इकट्ठा करके उनको मतलब प्रॉपर तरीके से बना रही हूँ साथ में सेट ताकि जब वो यूज़ करने पड़े तो उस वक्त अलग अलग ना हो तो ये आप भी कर सकते हो मतलब और बहुत सारे लोग करते भी होंगे कि हमेशा बेडशीट को मतलब बेडशीट के साथ ही पिलो कवर्स यूज़ कीजिए और उनको उनके साथ ही स्टोर कीजिए इससे आसान आसानी रहती है मतलब स्टोर करने में भी और ये दिवाली की जो मेरी ड्रेस मतलब वो रखी हुई थी लाइट्स वगैरह जो डेकोरेशन की हुई थी वो मैंने हटाई नहीं ये चेयर देख रहे हैं सामने पार्क में तो यही जगह जहाँ मैं बैठना पसंद करती हूँ धूप में और साथ में ही जिम एरिया भी है लेकिन मैं जिम वहाँ पर जाती ही नहीं हूँ मतलब वो सेंटर प्लेस में बनी हुई है तो मतलब तो थोड़ा कम्फर्टेबल लगता भी नहीं है वहाँ पर मुझे तो बस थोड़ा वॉक कर लेती हूँ शाम के टाइम पे और यहाँ पे जो सूखे हुए थे वो मैंने कपड़े लेके आ गई हूँ अब इनको करूँगी अभी के अभी फोल्ड क्योंकि जो ड्राई लॉन्ड्री होती है ना उसको फोल्ड करने में बहुत आलस आता है तो वो कभी इस सोफ़े से उस सोफ़े में या इस बेड से उस बेड में या फिर कभी इस टेबल से उस टेबल में जाती हैं तो कपड़े जो है ना मैं वो उल्टे करके ही सुखाती हूँ आदत पड़ी हुई है तो ये कुर्ती जो है ये मैंने ली थी और अब श्रेया पहनती है इसको और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कश्मीरी फिरन होता है ना बहुत गर्म है तो इसलिए मैं उसको डिस्कार्ड भी नहीं कर रही हूँ अभी और अभी मैंने लॉन्ड्री भी अपनी जो है वो फोल्ड कर दी है पुरानी वाली नए कपड़े जो है मैं धो के वो डाल चुकी हूँ मतलब लोड और अब सफाई कर रही थी तो सोचा कि चलिए एक तरफ से शुरू किया जाए तो आज हॉल पकड़ा हुआ है और वैसे करना तो मुझे दीवारों से साफ था लेकिन फिर मतलब बॉडी इतना भी साथ नहीं दे रही है अभी तो मैंने कहा चलिए पंखे और जो वॉल्स हैं कॉर्नर्स उनको बाद में साफ करेंगे पहले जितने भी मेरे ये हैं और मतलब ये मेरे पास मूर्तियाँ या फोटो फ्रेम्स ये सारी चीज़ें हैं पहले इनको साफ़ कर लेते हैं तो फिर थोड़ा काम हल्का हो ही जाएगा तो जो राधा कृष्णा की मूर्ति है ना ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई थी और मतलब बहुत क्या बोलूँ आपको फ्रेजाइल है बहुत मतलब नाजुक है तो उसको बहुत तरीके से इसी तरीके से ब्रश से मैं हमेशा साफ करके रखती हूँ तभी वो इतना टाइम तक टिकी हुई है और ये जो चीज़ें हैं ये मैंने सालों पहले दिवाली पे लिए थे और ये आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं कारण यही है कि इनको मैं बहुत डेलीकेट तरीके से साफ़ सुथरे रखती हूँ और इसकी चमक का राज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये जो देख रहे हैं गणेशा ये बिल्कुल उतने ही साल के लगभग जितने साल की ऐश्वर्या है तो ये आप लगा लीजिए 2011 में ऐश्वर्या पैदा हुई थी तो ये भी 2011 के आसपास आ गए थे गणेश जी मेरे पास में इनके साथ में ना लाफिंग बुद्धा भी आए थे बट वो कैसे टूट गए पता नहीं और ये जो गणेश जी हैं इनकी भी मैं इसी तरीके से देखिए इनके बीच में जो कटिंग्स होती है ना मतलब मूर्ति के अंदर तो ये बिल्कुल कोना कोना साफ़ हो जाता है अगर आप ब्रश की मदद से और इसमें मैंने यूज़ किया था हैंड वॉश मेरे पास में ना लाइफ वॉय था तो वही हैंड वॉश मैंने इनके ऊपर स्प्रे किया है और उससे साफ़ किया है और अब इसके पास क्विक उसी समय जैसे ही मैं लेके आती हूँ धोया है ना उसी समय इसको ड्राई पैट करके ऐसे पैट करके सुखा लीजिए और एयर ड्राई कर लीजिए अब आज बारी है लैम्प शेड के धुलने की और ये जो दिख रहे हैं दूसरे इनको भी धो के रख दूंगी ये मेरे पास में ना बहुत पुराने टाइम से मतलब बहुत पुराने इन सेंस की मतलब काफ़ी टाइम हो गया बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं पर पाँच छः सात साल जो है ना इतने हो ही गए हैं तो ये मेरे जिस प्लांट्स हैं जो आर्ट, आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं और ये जो रनर्स हैं ये भी मैं बताऊँ आपको तो मैं बहुत ज्यादा खरीदती नहीं हूँ रनर्स को आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि ये कपड़ा है हाँ जी तो क्यों होता है ना कई बार कि हमें कोई शादी ब्याह में गिफ्ट कर देते हैं कपड़े और हमें मतलब वो सिलाने नहीं सिलाने होते हैं क्योंकि देखिए मतलब मटेरियल अगर आपको लगता है कि मतलब आप उसको यूज़ नहीं करेंगे पहनने में तो सिलाई का खर्चा देने से बेटर है कि आप उसको दूसरे कामों में यूज़ ले लीजिए है ना तो मैं भी यही करती हूँ कि अगर मेरे पास में इस तरीके का कोई पीस आता है कोई भी चीज़ तो मैं उसको डेकोरेटिव पर्पज़ पर या दूसरे तरीके से यूज़ कर लेती हूँ तो यहाँ पर राजेश की जैकेट जो है बाहर रखी हुई थी तो अंदर आते हुए देखा तो उसको उसकी जगह पर लगा के रख दिया तो बस यही है कि चीज़ें जहाँ आप जिस रूम से जा रहे हैं उस रूम में अगर आपको लग रहा है कि किसी दूसरे रूम की चीज़ पड़ी हुई है तो उनको आते जाते उठा के उनकी जगह पे लेके जाके रख दीजिए तो आपके लिए भी काम आसान हो जाता है ये स्वेटर देख रहे हैं ये सबसे पहली स्वेटर बनाई थी मैंने रैंश के लिए और ये फ़्रॉक शेयर की थी ना इसमें पूजा के दिन पर इसमें हल्दी का दाग लग गया था तो मैंने कुछ नहीं किया टेलकम पाउडर डाल दिया उसके आगे पीछे जो है और थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया और उसके बाद में ना ये मशीन में उसको वॉश कर लिया नॉर्मल लिक्विड वॉश के साथ और अभी आपको दिखा रही थी यकीन मानिए उसमें मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया वो स्पॉट तो बस थक गई हूँ फिर से ये दूसरी लॉन्ड्री थी जो इधर वाली बालकनी में थी छोटी बालकनी में मतलब और अब पी रही हूँ फिर गर्म पानी क्योंकि पानी बैठ के ही पीना चाहिए ना तो देखिए मतलब क्या होता है और क्या नहीं वो तो अलग चीज़ है लेकिन इफ़ आयुर्वेदा सेस तो उसको मान भी लेना चाहिए ना, नुकसान क्या है तो बस गुनगुना पानी पीती हूँ आजकल और ये लैम्प शेड है ये भी मेरे पास में कम से कम आठ नौ साल पुराना है और इसको मैं ऐसे ही जो है ना वॉश करके रखती हूँ बस यही है कि देखिए मैंने इसको ना क्लिप बनाने के चक्कर में भी ज़्यादा देर तक गीला नहीं रखा फटाफट से हैंड वॉश जो था वो मैंने डाइल्यूट करके रखा हुआ है अपने पास में उसी स्प्रे ये देख रहे हैं साथ में जो आप और उसी स्प्रे बॉटल से डाल के और एक सॉफ्ट ब्रसे उसकी मदद से ना अच्छे से रगड़ लेती हूँ और क्विक क्विक पानी से धो के तुरंत धूप में तो वो सूख भी जाता है और इसी तरीके से जितने भी ऑफिशियल प्लाट्स हैं मेरे पास में इनको भी मैं ऐसे ही धोती हूँ मतलब स्प्रे किया तुरंत इनको इस तरीके से झाड़ देती हूँ इनके अंदर का पानी ताकि वो गले ना कोई मतलब प्लास्टिक तो नहीं गलेगा बट उसके अंदर जो उन्होंने पी डाली हुई होती है ना वो गल सकती है तो यहाँ पर ये यह भी धुल के सूख ही गया है और इसको थोड़ी देर यहाँ पे हवा में रख दूंगी नीचे हवा नहीं लग रही थी और यहाँ पे दोनों के दोनों थोड़ी देर सूखेंगे यहाँ पे अभी तो अगर आपके घर में धूप आती है ना तो आप इनको डायरेक्टली धूप में सुखाइएगा क्योंकि फिर उससे कम देर तक गीले रहेंगे और ज़्यादा टिकेंगे तो यहाँ पे मैंने लंच की भी साथ साथ में तैयारी कर ली थी बस अभी मैंने ना दाल पहले बॉईल करके रखी थी उसको तड़का लगा दिया और चावल्स को सीटी लगा दी है तो बस लंच तैयार है अब यहाँ पे बच्चे आ गए थे बच्चे लंच कर चुके हैं और मैं भी लंच कर चुकी हूँ इसके बाद वो अपना काम कर रहे हैं मैं अपना काम कर रही हूँ और मेरा काम है कि भाई अब तीस मिनट के अराउंड वाला जो फिनिश होने वाला काम है ना वो कर लूँ तो आज मैं फिर इसी को कम्प्लीट करूँगी क्योंकि ये एरिया मैंने सफाई शुरू की थी तो इस एरिया को कम्प्लीट कर लेते हैं तो ये पेंटिंग जो है ये श्रेया ने बनाई थी मैंने ज़रूर आपके साथ शेयर किया होगा कभी ना कभी क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस पेंटिंग को देख के और इसके पीछे भी कहानी है वो कभी और शेयर करूँगी आपके साथ तो ये जो फर्नीचर है इसको भी मतलब बहुत साल हो चुके आपको पता है लकड़ी के फर्नीचर तो सालों साल चलते हैं मैं और उन लोगों में से हूँ जो ट्रेंड के साथ फर्नीचर नहीं बदलते मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना मिडिल क्लास फैमिलीज़ की तो मैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ वाली चीज़ें मेरे अंदर बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई हैं कि मतलब फ़र्नीचर से जो मैंने उसके ऊपर लगाया है ना पैसा उसको पैसा, पैसा पैसा पाई पाई वसूल करती हूँ तो भाई करना भी चाहिए क्या करें है ना तो यहाँ पे क्या है मैंने अपने इस फर्नीचर के ऊपर हमेशा लाइनर या मतलब इस तरीके से कपड़ा कोई कवर जो है वो ज़रूर लगा के रखती हूँ तो ये पिंक वाला जो कपड़ा आप इसके ऊपर देख रहे हैं ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था और मैंने सोचा कि इसको अब सिलाई करके सूट तो मैं नहीं पहनने वाली थी इसका तो मैंने इसको जो है ना इसका कवर के तौर पर यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है यहाँ पर तो बस इसी तरीके से करती हूँ चीज़ों को सही यूज़ में लेके आना भी तो एक कला होती है ना तो वो सभी के अंदर होती है तो बस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ तो ये जो आप देख रहे हैं पीसेस इनकी एक टिप शेयर करती हूँ आपके साथ में कि ये आज भी ऐसे ही चमकदार क्यों हैं धुलने इतनी देर धुलने के बाद भी तो मैं क्या करती हूँ ना कि इनको टाइम टू टाइम वॉनिश करती हूँ इनके ऊपर अब यहाँ पे देख रहे हैं आप ये जो मूवीज़ है ना इनको मैं देखती नहीं हूँ सुनती हूँ और जिसने भी कहा है ना कि सफ़ाई करने से लक्ष्मी जी आती हैं बिल्कुल सही कहा है क्योंकि मुझे सफाई करते हुए आज लाइनर के नीचे फाइव हंड्रेड रुपीज़ मिले मतलब हम में से ही किसी ने रखा होगा किसी काम से पर वो अभी दिख गए तो अब क्विक जो है वो क्लिनिंग होगी डाइनिंग की बस की शीट हटाऊंगी नहीं और जो ये डिवोर्स हो रखा है ना जिन सॉक्स का आज उन्हीं से काम लिया जाएगा तो मतलब जिन सॉक्स के पेयर नहीं होते उनको मैं यही कहती हूँ कि उनका डिवोर्स हो गया अलग अलग हो गए हैं तो दस पंद्रह दिन में जब भी मुझे मतलब लगता है कि ज़्यादा डस्ट हो रही है तो मैं इसकी शीट निकाल के और फिर साफ कर लेती हूँ अदरवाइज जो है ना मैं मतलब डेली रूटीन के हिसाब से तो ये प्लास्टिक शीट जो मैंने लगाई हुई है तो इसी को ऊपर से स्प्रे करके और फटाफट साफ़ कर देती हूँ इससे क्या है ना कि टाइम भी कम लगता है और नीचे जो है वो साफ़ भी रह जाता है और इसके साथ साथ में ना ये वर्किंग टेबल भी है अगर देखा जाए तो क्योंकि सैटरडे और संडेज़ को तो राजेश जो है ना मैक्सिमम उनका लैपटॉप इवनिंग में आने के बाद में इसी के ऊपर खुल के रख देते हैं वो और बहुत सारा काम जो है इसी के ऊपर बैठ के करते हैं तो मुझे सजाने का तो बहुत शौक़ है लेकिन क्योंकि अब इसके ऊपर बहुत काम होता है तो उस समय फिर मैं अब आजकल ज़्यादा इसके ऊपर मतलब डेकोरेटिव पीसेस नहीं रखती और यहाँ पे क्या हुआ कि इसको मैं साफ़ कर रही थी सेंटर टेबल को तो फिर मैंने देखा कि इसके जो पॉट पूरे हैं ना उसके अंदर मतलब मुझे पाउडर्ड फॉर्म में ये कुछ नजर आया तो लग रहा था जैसे शायद फंगल कुछ मतलब वहाँ पे डेवलप हो रही है चीज़ें तो फिर अब इसको पूरा निकालना पड़ेगा पॉट पूरी मुझे बहुत पसंद है तो इसको तो मैं मतलब स्प्रे करके रख देती थी इसके ऊपर कोई भी मतलब वो एसेंशियल ऑयल्स तो वगैरह और पता भी नहीं लगता कि खुशबू कहाँ से आ रही है लेकिन फिर भी पूरे कमरे में खुशबू बनी रहती है तो बस ये मैं इसको मतलब साफ करने के बजाय ना और सुखाने के बजाय मैं इसको पूरा फेंक रही हूँ मैंने स्टोन्स जो है वो संभाल के रख लिए उनको तो मैं यूज़ कर सकती हूँ तो यहाँ पर टिशू पेपर आप यूज़ कर सकते हो मेरे पास मैंने कुकीज़ के साथ में आई थी शीट तो मैंने इनको का सा गीला कर लिया है बस यही है कि जो चीज़ें हैं उसको यूज कर ले है ना इनको मुझे फेंकना ही था इनका मैं कुछ यूज कर भी नहीं सकती थी पर मैंने रखा हुआ था कि ऐसे ही किसी काम में यूज हो जाएंगे तो बस ये यह यहां पर आज यूज हो गया ये अच्छा अच्छे से साफ हो गया वाला एरिया और बस ये स्प्रे की मदद से थोड़ा सा ये आ, इसको और साफ कर लूंगी तो ये और साफ हो जाएगा है ना मतलब सुरक्षित हो जाएगा थोड़ा एयर ड्राई हो जाएगा और इसका जो शीशा है ना वो लगता तो है देखने से कि बहुत आसानी से उठ जाएगा पर इतनी आसानी से उठता नहीं है बहुत हैवी है बहुत मोटा है तो इसको पूरा क्लीनिंग कर लिया सेम जो डिवोर्स वाला हमारा सॉक्स है और इसके बाद में फिर वो शीट मुझे लगानी थी तो एक बार जब मैंने अपने आप लगाई थी ना तो मैंने वो मतलब आ, गलत लगाई थी मैं आपको बताऊँ तो उल्टा ऊपर का मुझे लगा कि ऊपर वाला साइड नीचे कर देती हूँ तो और नीचे वाला ऊपर लेकिन देखा उसके ऊपर कटिंग होती है ना तो उसकी वजह से फिर वो फिसल रहा था और कभी भी चोट लगने का या गिरने का डर था तो यहाँ पे मैंने वो शराह की मदद से फिर पलट के वापस किया है तो बस यहाँ पे हो गया है काम अभी कवर नहीं चढ़ाए हैं इनके तो लिटरली सुबह से शाम हो गई है आज जो है काम करते करते और ये सब इस टेबल की वजह से काम थोड़ा बढ़ गया लेकिन ठीक है कोई बात नहीं अब एक मसाला चाय पी जाएगी अच्छी वाली और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी होगी तो जब तक मसाला चाय मैंने बोला था ऐश्वर्या को बनाने के लिए वो बना रही थी तब तक मैंने सोचा चलिए यहाँ पे जो है ना अपने ये बुक्स वाला कॉर्नर भी साफ़ कर लेते हैं तो अब जो है बुक शेल्फ की सफाई करते करते इंटरकॉम भी साफ हो गया है ये है टेबल जो बहुत सोनी सी लग रही है बिना पॉटपुरी की और यहाँ पे हो रही है अब डिनर की तैयारी जिसमें बन रहा है आज पास्ता और यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ देखिए ये है मेरा गैस और मतलब अमूमन अब साफ़ ही रहता है लंच के बाद में बर्तन वर्तन साफ़ किए थे तो उसके साथ में जो है गैस भी साफ़ कर ली थी लेकिन अभी ये वाला एरिया है ना ये चाय बना के और मतलब जैसे अच्छे से साफ़ नहीं किया होगा यहाँ पर तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसको करेंगे रात को डिनर के बाद तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें